सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मतलब इंटरनेट की दुनिया ऐसी हो गई है ना यार आज के डेट में कि मतलब अगर आपका अकाउंट है जो कि ऑफ कोर्स होगा ही फेसबुक का या ईमेल या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वगैरह, तो मतलब आपको पता भी नहीं चले कि कब कहां कैसे कोई आपके डिवाइस में घुसे और सारा डेटा जो है भैया वो कहीं का कहीं लेके चला जाए। तो यहां पर दोस्तों भी रिसेंटली व्हाट्सएप सामने खबरों में आया था वो पेगासस अटैक के चलते, लेकिन अभी दोबारा से हो सकता है कि आपका जो डेटा है भैया मोबाइल फोन का वो कहीं और किसी और के पास जा रहा हो, बिकॉज व्हाट्सएप जो है और वापस से हैक हो चुका है। आज आप इस वीडियो को अगर देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब यार हमको ना कितने कॉमन तरीके से कई बार मैसेजेस में दोस्तों कोई फोटोज भेजता है, कोई वीडियोस भेजता है, मतलब हम दिन भर कितना एक्टिवली व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, कई बार जो है वो किसी गलत नंबर से मैसेज वगैरह भी आ जाता है मतलब। लेकिन यहाँ पे अभी जो सीन निकल के आया ना, मतलब फेसबुक ने खुद ने एक्सेप्ट किया है और यहाँ पर दोस्तों ये जो लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी है इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, जिसका नंबर है CVE 2019-11931। और यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपके पास में एक फाइल आएगी, वो एक वीडियो फाइल होगी, किसी ने आपको दोस्तों मैसेज भेजा जो कि एक स्पेशली क्राफ्टेड MP4 फाइल है। और उसके बाद में क्या होने वाला है कि यहाँ पर दोस्तों जब उस फाइल के मटेरियल को दोस्तों जब जो है वो एनालाइज करेगा व्हाट्सएप, तो उस टाइम पे आपको एक इशू देखने को मिलेगा जो कि है स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो इशू, जिसके चलते दो टाइप के हैक होने वाले हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले जो अटैक है वो तो है डिनायल ऑफ सर्विस का, जो दूसरा है वो है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का, और उसके बाद में आपको पता भी ना चले भैया आपकी नाक के नीचे से आपके फोन का जो इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ फाइल्स हैं, आपकी कुछ चैट्स वगैरह हैं, वो पहुंच जाएंगी हैकर के पास में, वो रिमोटली आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। तो मतलब यहां पे इस चीज को दोस्तों अभी फेसबुक ने खुद ने एक्सेप्ट किया है और अपडेट भी कर दिया है, मतलब इशू को सॉल्व कर लिया है। जो लेटेस्ट व्हाट्सएप के वर्जन हैं वो फिलहाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे हैं, मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं एंड्रॉइड की या iOS की या व्हाट्सएप बिजनेस की या विंडोज फोन वगैरह की, अगर आपके पास में उससे नया एक वर्जन है तो आप सेफ हैं। इसका मतलब ये कि आपको जल्दी से अभी का अभी अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना चाहिए, वरना यू नेवर नो यार कि कौन कहां से क्या हैक करे। और आप दोस्तों जानते हैं कि हमारे स्मार्टफोन्स कितने ज्यादा पर्सनल हैं हमारे लिए, मतलब हम ये सोचेंगे, हम ये चाहेंगे भी कि जो उसमें डेटा है वो सिर्फ हम ही तक रहे, किसी और के पास उसकी एक्सेस ना हो। लेकिन यहां पे सिर्फ एक स्पेशली क्राफ्टेड MP4 फाइल आपके फोन में आई और सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में। तो ये दोस्तों हुआ है अभी रिसेंटली सीन, और बैक टू बैक इससे पहले जो हुआ था वो पेगासस वाला पूरा, जहाँ पे तो इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी जैसे इन्वॉल्व जो है वो हुई थी इस मामले में, और व्हाट्सएप से तलब किया था कि भाई ये सब क्या चल रहा है। लेकिन अभी ऐसे में पता नहीं क्यों मेरा तो ना मतलब फेसबुक का जहाँ पे नाम आता है, जहाँ पे दोस्तों साथ में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह खैर साथ में शामिल ही हैं, तो मतलब लगता है कि यार भाई कुछ भी सेफ रहा नहीं है आज की डेट में। आप वो चिट्ठी लिख लिख के एक दूसरे से बात कर लो तो शायद वो ज़्यादा सिक्योर है, बजाय कि व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करो, किसी का मैसेज देखो और पता चले कि वो मैसेजेस बाहर बैठ के कोई तीसरा इंसान भी देख पा रहा है, ऐसी ही खमियों की वजह से और ऐसे ही अटैक्स होने के बाद में दोस्तों। खैर अभी आपके लिए सलाह ये है कि आप जल्दी से अपना जो व्हाट्सएप है उसको अपडेट कर लीजिए, फिर चाहे आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं या एंड्रॉइड पे हैं या iOS पे हैं, ताकि आप इस इशू से बच सके, कोई आपका भैया व्हाट्सएप हैक ना कर ले, वरना कुछ लिखा होगा मैसेज या कुछ भी होगा डेटा वो पहुंचेगा जी तीसरे हाथों में इसी MP4 वीडियो वाले इशू के बाद में दोस्तों। बस मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि क्या आप इंटरनेट की इस दुनिया में जब आप यूज़ कर रहे हैं जीमेल हो गया या ईमेल हो गया कोई और तरह का, या दोस्तों और भी जो ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह हैं, क्या आपको लगता है कि आपका डेटा सेफ है और सिक्योर है, या आपके मन में हमेशा से शक रहता है इसी डेटा की चोरी को लेकर दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।